हाय गाइस, तो कैसे हम साइट विजिट चेक करते हैं, साइट सुपरविजन में एक्चुअल में क्या होता है, क्या हम देखते हैं, वो आज मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। क्या क्या हम लूप होल्स पकड़ते हैं, क्या क्या हम स्ट्रक्चर से देखते हैं कि कल को भूकंप वगैरह आ जाए, अर्थक्वेक आए, तो वो टेक्निकली चीज़ें खराब। तो अब यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि जो शटरिंग लगी है, वैसे तो जनरली आजकल लोहे वाली शटरिंग चलती है, बट यहाँ पे बलियों की शटरिंग है, तो मैं चेक ये कर रहा हूँ कि कल को ऐसा ना हो जब रोड या कॉन्क्रीटिंग इसके ऊपर हो तो ये शटरिंग गिर जाए, क्योंकि कई बार हमें शटरिंग का लेवल भी मेंटेन करना पड़ता है कि भाई अगर कल को शटरिंग ऊपर नीचे ना हो, फर्स्ट पॉइंट, कोई बल्ली लूज ना रह जाए, तो शटरिंग गिर गई तो आपका घाटा हो जाएगा, सरिया सारा नीचे गिर जाएगा, कॉन्क्रीटिंग नीचे गिर जाएगी, तो दिक्कत हो सकती है। अब देख लो, ये यहाँ पे बहस हो रही है बेसिकली कि भैया मुझे चेक करो, कह रहे नहीं नहीं सब सही है सब सही है। अब देखना ये देखो, अब एक बल्ली इसको हिलती हुई मिलेगी और कह रहे ये तो ऐसी है, ये तो हम बाद में करेंगे, ये करेंगे। देखो ये फालतू की लगी है, ये साथ ही साथ कर देते हैं, देखो करवा दो जरूरी होता है कि भैया शटरिंग वगैरह सही से लगी है कि नहीं लगी है। ये हमारा कौन सा ये पाइप के पॉइंट समझो मेरे को, वो डब्ल्यूसी का है, दूसरा ड्रेन वो उसमें दबाओगे जब मसाला पड़ेगा, एक तो शावर का हो गया, एक डब्ल्यूसी का, एक वॉश बेसिन का, वेस्ट बाद में डाल दो उसके साथ मिला, इसके ऊपर लाके छोड़ोगे। तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ है, चेयर लगाई हुई है, मतलब कि दो सरियों के जो जाल होते हैं उसके बीच में जो गैप मेंटेन करना होता है, यहाँ पे दोनों सरियों में एक चेयर डाला जाता है, जिसे घोड़े भी बोलते हैं हम, वो चेयर क्या है, बहुत गलत तरीके से डाला हुआ है। मतलब अब मैं टेक्निकल में जाऊँगा तो फिर तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, वो इस तरीके से डाला है कि कल को जब आप घर के अंदर से लेंटर को देखोगे तो सरिया आपको दिखाई देगा और फिर वो मॉइस्चर से रस्टिंग खाना शुरू होएगा, लेंटर में प्लास्टर में क्रैक आएंगे। तो इसलिए जब हम देखते हैं ना कि प्लास्टर के अंदर क्रैक दिखने लग जाते हैं, उसका एक रीज़न ये भी होता है, और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे कैसे कॉलम में क्रैक दिखते हैं और कैसे पता लगे कि वो क्रैक नॉर्मल है या आपका घर अभी डेंजर जोन में, तो वो कैसे पता लगे, वो वीडियो बनाई, लिंक मैंने डाल दिया, वो देख सकते हो। देखो मैं कहता हूँ ना, साइट सुपरविजन क्यों करना चाहिए, अब साइट सुपरविजन के फायदे दिख रहे हैं, नहीं तो लास्ट जो विजिट पे हम आए थे, जो आपने वीडियो देखा होगा, उसमें ना कवर ब्लॉक थे ना कुछ और था, सरिया भी ढंग से नहीं बना था, कुंडी नहीं हुई थी। अब आप ये देखो, चेयर भी गलत डली हुई, चेयर जो मतलब एक जाल से दूसरे जाल को ऊपर नीचे कर दिया। अब देखो ये कवर ब्लॉक डला ना, ये देखो प्रॉपर कवर ब्लॉक आ गया, इसे चेयर बोलते हैं। ये चेयर हमेशा सरिये के ऊपर रहनी चाहिए, मैं ये पहले डाल रहे थे शटरिंग पे सीधा, नाम के लिए रख रहे थे, पहले पाइप भी लोकल क्वालिटी का डल रहा था, अब हैवी क्वालिटी का पाइप है। ये ऑल्टरनेट बार होते हैं, मतलब ऊपर नीचे हमेशा लैपिंग जोन में रहना चाहिए, फिर भी थोड़े नीचे बट उतना चल जाएगा, लेकिन अगेन पहले ये एक लेवल पे काटे हुए थे। तो भैया साइड सुपरविजन बहुत ज़रूरी होगी। अब सबसे पहले आप ये पाइप देखो, इस पाइप में अगर आप देखोगे तो ये पाइप का लेवल गलत मेंटेन हो रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ संकन एरिया हो, जब बाथरूम के पाइप हो, बाद में डलवाओ, पहले में डलवाओ, क्योंकि अब ये पाइप ना लेंटर के अंदर आते फिक्स हो जाएगी, तो अगर कल को इन फ्यूचर आपको लगाया लोकेशन चेंज कर लेते तो पाइप वेस्टेज हो गया, आप इसको परमानेंट यहीं लगाना पड़ेगा, कल को डिज़ाइन के थ्रू आपने सोचा चेंज कर ले तो नहीं हो पाएगा, तो पाइप हमेशा बाद में डालो, जिधर विधि कटाओ करो और कटवा लो कर लो, लेकिन प्लम्बर कहेगा नहीं पहले डाल दो, पहले मत डालो। अब ये पाइप में देख रहे हो, ये पाइप पहले लगा दी, वो क्रैक हो गया, अब यहाँ प्लम्बर अपना काम करके चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा और बाद में आएगी सीलर, ये फायदा रहेगा बाद में डलवाओ हमेशा, लेकिन प्लम्बर क्या होता है ना, मेहनत बचाने के लिए कौन कोर काटेगा, कौन लेंटर काटेगा, कौन बाद में काम करेगा, तो इसलिए वो अवॉइड करते, तो इसलिए पाइप हमेशा पहले नहीं डलवाने हैं, बाद में डलवाओ। ये हम चेक कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट का कितना पैसा फालतू लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, इससे क्या होगा, लेवल मार्क कर लेंगे हम कि जो कंक्रीटिंग का मार्जिन है वो कितना आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ही लेवल उन्होंने डाल दिया और सरिया ऊपर है शटरिंग नीचे, चेक करेंगे, लगा दीजिए, परफेक्ट, उधर कोने में जहाँ सरिया उठा हुआ है, ठीक है आगे चले जाओ। तो ये बेसिकली जो हम चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि अगर मान लो लेंटर है, सपोज करो ये स्लैब है, अगर स्लैब कहीं से भी सरिया इसमें निकला हुआ ऊपर उठा हुआ है, तो हमें कॉन्क्रीटिंग या तो पूरे लेवल पे सेव करनी पड़ेगी, जिससे यहाँ कॉन्क्रीटिंग 5 इंच की थी तो यहाँ पे 6 इंचज़ या 7 इंचज़ की आ जाएगी, जिससे आपका पैसा लॉस्ट हो गया और इसका पर स्क्वायर फिट का करीब करीब आपका मान चलो 80 से 100 रुपये के बीच में जो है वो घाटा हो जाएगा, तो पर स्क्वायर फिट का अगर निकालते हैं तो 11,000-12,000 का घाटा यहाँ हो जाएगा, तो इसलिए सरिया हमेशा सीधा रहे, ये हम देख रहे हैं, तो ये हम टेस्ट कर रहे हैं कैंडा लेके। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो आपने सर चलो लेवल नहीं किया, यहाँ कोने में हम्प कर दिया तो स्लोप डाल दिया अगर उसने, कि ठीक है यहाँ ऊपर सरिया ढक दिया और यहाँ ऐसे स्लोप डाल दिया, तो फिर जो बदर पर दस्तर का मार्जिन आएगा टाइल का वो ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे घाटा फिर और हो जाएगा, तो हर केस में ये लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घाटे होते रहेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे वो हमने नीचे करवा रहा कि सरिया जो है वो अपने लेवल से नीचे, एक उधर
पिछली बार से काम वैसे अच्छा है, पिछली बार से बहुत है लेवल ऊपर नहीं। शटरिंग के ठीक थे, सेंटर के इधर के सारे ठीक हैं। ये इधर की लाइन की एक बन गई, इस वाली की तीन बन गई, उस वाली की तीन बन गई, इसी इसी कमरे में उस वाले में का ठीक है। पाइप लगा, पन्नी को डबल कर, मतलब हाँ ऐसी ऐसी रख दे, सीधी सीधी ऊपर रख उसके मुँह। हाँ अब इसके सरसों के तेल में ढक्कन ना हो तो क्या करेगा, बांधे कैसे बांधोगे वो तो मैं पन्नी को रखो, अब तार लगा लपेट चारों तरफ से। मैं बांधता हूँ, लगाओ लगे, पन्नी पकड़, तू पन्नी दबा नीचे खींच, ऊपर बोल देना काम छोड़ दे। अरे काम करो, नीचे जाने का डालना पड़ेगा। अजी आ जाओ, पानी आ जाएगा इसमें से बाहर, पानी आ जाएगा बाहर इसमें से, क्या हो जाएगा पानी बाहर निकल जाएगा इसमें से। नीचे तो खुला है, ठीक है आप जाओ कोई बात नहीं, बांध देना है। एक दो तीन चार मात्र लगे, दो ये बंद गया, कुछ नहीं करना, एंड कैप है, ऊपर से पानी छोड़ेंगे, पानी इधर आएगा, हमें प्रेशर चाहिए नहीं, जब तक ये भरेगा इसमें 2.5 इंच का मार्जिन है, हमें बस नीचे का बॉटम लेवल देखना है, जब आप नहाओगे पानी आएगा फ्लो होके जाएगा, तो लास्ट की जो नीचे बॉटम तल्ला है तल्ले में कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि ऊपर से हम सील दिखेंगे, नीचे तल्ले से नहीं दिखना। हाँ तो अगर नीचे कोई क्रैक हो तो हम चांस नहीं ले। अब रिपेयर कैसे करोगे, लेंटर तोड़ोगे, लेंटर तोड़ोगे तो पाइप टूटेगा, वो तो हर जगह में होता है। ये पाइप हो गया, अब ये पाइप में मैंने ढलान दे दिया ठीक है, इतना हिस्सा मेरा लेंटर में दब गया ठीक है। मैं जहाँ का जॉइंट मुझे नहीं पता, मैं पन्नी ना भी लगाऊँ ना तो ट्रैप इतना आएगा, पानी भरने के लिए ट्रैप को यहाँ तक पूरा भरना पड़ेगा तभी पानी बाहर निकलेगा, मुझे इसके ऊपर प्रेशर तो देना ही नहीं है। हम जब प्रेशर पंप लगाते हैं ना, प्रेशर पंप इसमें नहीं लगता है। मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर पंप लगता है सीपीवीसी के लिए, सीपीवीसी उसी में से। कितने केजी का प्रेशर लगाते हो आप, 110 100 भी लगाते हैं, वो तो मीटर की बात कर रहे हैं, केजी में बताओ, मीटर के हम लगाते हैं 110, वो तुम 110 दूसरी बता दो केजी का होता है, 2.5 केजी 3 केजी 4 5 6.5 से